अगर आप एक जिम ओनर हैं और आप अपने जिम को चाहते हैं कि कोई भी जो 5 किलोमीटर का एरिया है या फिर आपकी सिटी में अगर कोई भी बंदा जो है इस तरह की क्वेरी सर्च करता है कि भाई बेस्ट जिम इन लाइक हल्द्वानी या फिर आपका ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो कि आपका जो जिम है वहाँ पे आ सके, और जो अगर कोई बंदा आपको देखना चाह रहा है कि भाई किस तरह का जिम है सारी चीज़ें, ताकि वो वहाँ से आपको कॉल कर सके और वहाँ पे आपके बारे में जानना चाहता है जिम के बारे में, तो वहाँ पर उसको वो सारी चीज़ें मिल सके। तो ये हो सकता है ओनली लोकल SEO से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से आपने अपने जिम का लोकल SEO करना है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, आपने जो है कुछ कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने होंगे, और आपने ये समझना होगा कि जो आपका जो ऑडियंस है वो कितनी दूर से आने वाली है। तो अगर बात करी जाए 80% से 85% जो ऑडियंस होती है वो आपकी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर से आती है। तो आपने जो है सपोज दैट आपकी अगर कोई सिटी है, जैसे हल्द्वानी मेरी सिटी है, तो आपने जो है अपने जो आपका जिम है उसको सिटी पर रैंक नहीं कराना है, आपने कराना है आपके पर्टिकुलर एरिया पर, जो भी आपके 5 किलोमीटर का एरिया है। सपोज दैट जैसे कि हमारे इधर है कटघरिया, तो कटघरिया के एरिया में ही जो है लोग ढूंढेंगे, क्योंकि वो एक चौक है और उसके जो 5 किलोमीटर का रेडियस है वहाँ के लोग वहाँ के लिए ढूंढेंगे। तो आपने उसी एरिया को जो है वो टारगेट करना है। तो आपने ये चीज़ समझनी है, इस तरह से आपने अपने कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि हो गया बेस्ट जिम या फिर बेस्ट फिटनेस सेंटर इन कटघरिया हल्द्वानी। तो इस तरह से आपने जो है अपना कीवर्ड सिलेक्ट करना है। देन आपने जो है अपनी लोकल लिस्टिंग साइट जो है, जैसे कि आपका होता है जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, सुलेखा हो गया, यहाँ पर आपने फ्री लिस्टिंग करनी है। आपने यहाँ पर जो है अपना कोई भी पेड नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट आपने अपना ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि कोई भी आपके जिम का नाम लिखता है तो वहाँ पर जो है आपका जिम आ सके। उसके बाद आती है सबसे मेन प्रोफाइल, जो कि है गूगल माय बिजनेस की। अगर कोई भी जो है इस तरह की क्वेरी सर्च करता है कि बेस्ट जिम इन कटघरिया, तो वहाँ पर जो सबसे पहला रिजल्ट आता है वो होगा गूगल माय बिजनेस का। तो गूगल माय बिजनेस पर आपने जो है अपने जिम के किस तरह का आपका जिम है और उसके अंदर के क्या क्या मशीन्स हैं आपके पास, किस तरह का इक्विपमेंट है, वो सारी फोटोज जो है वहाँ पर शेयर करनी है। कुछ वर्कआउट करते हुए आप जो है वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, फेस्टिवल की पोस्ट डाल सकते हैं, कुछ ऑफर्स हैं आपके पास, जैसे कि अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह है तो वहाँ पर प्रोडक्ट के सेक्शन में जो है आप उस सब्सक्रिप्शन को जो है वो ऐड कर सकते हो कि हमारे पास 1 महीने का इतना प्राइस है, 2 महीने का इतना है, 3 महीने का इतना, 6 महीने का इतना, ईयरली सब्सक्रिप्शन इतना है, तो वो चीज़ भी डाल सकते हो। अगर कोई ऑफर वगैरह चला रहे हो आप स्पेशल कोई, तो वो भी वहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद बात आती है आपकी वीडियोस की। तो आप जो है वर्कआउट के कुछ, जैसे कि मान के चलिए आपके वहाँ पर कुछ लोग जो है जिम कर रहे हैं, तो उनके जो वीडियोस हैं 70 MB से कम के जो है आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपका जो ट्रेनर है, जो ट्रेनर आपका ट्रेनिंग दे रहा है दूसरे, मतलब कि जो मेंबर्स आते हैं उनको, वो भी शूट करके डाल सकते हैं। तो जो भी आपके जिम में हो रहा है, जैसे कि मान के चलो एरोबिक्स होता है या फिर कार्डियो सेक्शन है या कुछ भी, जैसे कि आपने कुछ अलग से मान के चलिए एक तरह से कार्डियो का सेक्शन बना रखा है, तो उन सब चीज़ों को अपने गूगल माय बिजनेस पर दिखाएंगे। और जो डाइट प्लान वगैरह आप देते हैं वहाँ पर अपने मेंबर्स को, वो भी वहाँ पर अपना जो है पब्लिकली दिखा सकते हैं कि भाई हम इस तरह से जो है डाइट्स वगैरह भी देते हैं। अगर आपके वहाँ पर एक अच्छा ट्रेनर है, तो ट्रेनर को भी जो है आप उसमें हाईलाइट करिए कि हमारे पास ये ट्रेनर है। तो जो आपका मेन काम है वो गूगल माय बिजनेस पर ही होने वाला है, आपने यहाँ पर अपडेट्स रखने होंगे। साथ में आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करवाना है, क्योंकि जब भी कोई बंदा आपके यहाँ पर आपकी प्रोफाइल को देखेगा तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आपने वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है। और जो भी आपके यहाँ पर मेंबर्स आते हैं उन सब से आपने गूगल पर रिव्यूज़ लेने हैं। अगर आपको रिव्यूज़ में कोई भी दिक्कत होती है, तो हमारे पास ये कार्ड है जो कि NFC इनेबल्ड है, कि अगर किसी फ़ोन के पास आप लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर ये एकदम से सीधे आपको रिव्यू वाले सेक्शन पर जो है वो पहुँचा देता है। तो इससे आप ओनली 10 सेकंड के अंदर ही आप रिव्यू ले पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने रिव्यूज को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल में सबसे ज्यादा मेजर रोल जो प्ले करता है प्रोफाइल को रैंक कराने में, वो होते हैं रिव्यूज। तो जितने अच्छे आपके रिव्यूज होते हैं उतनी ही आपकी प्रोफाइल रैंक करती है। तो अगर आपने जो NFC कार्ड है अगर इसको ऑर्डर करना है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी यूट्यूब की। तो आपने जो है अपने जिम का एक ओवरव्यू वीडियो बनाना है कि भाई आपका जो जिम है वो किस तरह से दिखता है, इंटीरियर किस तरह का है, आपके पास मशीन्स किस तरह की हैं,
कुछ वर्कआउट करते हुए, जैसे कि कुछ ट्रेनर जो है दूसरों को सिखा रहा है, तो इस तरह से एक ओवरव्यू वीडियो बनाइए और उस ओवरव्यू वीडियो को यूट्यूब में एक बेस्ट टाइटल के साथ में जो है वो अपलोड करिए, ताकि लोग जो है वो सर्च करें उस एरिया के, तो वहाँ पर वो यूट्यूब की वीडियो निकल पाए। तो इस तरह से जो है आपने अपने लोकली अपने जिम को जो है वो प्रमोट करना है, और इस तरह से आपका जो जिम का लोकल SEO जो है वो हो पाएगा, और जो भी लोग आपके लोकल एरिया में सर्च करेंगे तो उनको आपका जिम जो है वो दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेनी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के जो है स्ट्रेटजी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।